हम हमारी डेली लाइफ में एक से बढ़कर एक बड़ी बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। अगर रेफरेंस में एक बिल्डिंग को लें तो उससे छोटा है उसका एक फ्लोर, और उस फ्लोर से भी छोटा है एक कमरा, और कमरे से भी छोटा है उसका एक ईंट। और अगर ईंट से भी छोटे की बात करें तो आप बोलोगे एक मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल्स तो एटम्स से मिलकर बना होता है, यानी एटम्स सबसे छोटी चीज़ हैं। लेकिन बाद में ये पता चला कि एटम भी सबसे छोटी चीज़ नहीं है, यह भी तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो क्या ये फंडामेंटल पार्टिकल सबसे छोटी चीज़ हैं? जी नहीं, इनसे भी कई गुना छोटी चीज़ें मौजूद हैं एक रहस्यमय दुनिया में, वो दुनिया जिसको हम लोग कहते हैं द क्वांटम फिजिक्स। तो इस सीरीज में हम इसी क्वांटम दुनिया के बारे में जानेंगे, जो कि वैसे तो आसानी से किसी को समझ में आती नहीं है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस सीरीज को फुल कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे तो यही कॉम्प्लेक्स दुनिया आपके लिए बेहद ही आसान और रोमांचक हो जाएगी। तो इस सीरीज का एक भी वीडियो मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वांटम फिजिक्स को समझने के लिए हमें इसके बेसिक पार्टिकल्स और मैकेनिक्स के बारे में समझ लेना चाहिए, जिसको बेहद ही अच्छे से समझाता है द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ द फिजिक्स। इसीलिए आज का टॉपिक भी यही रहने वाला है। स्टैंडर्ड मॉडल के मुताबिक पार्टिकल दो टाइप के होते हैं, फर्मियोन्स और बोसोन्स। फर्मियोन्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि यूनिवर्स के सारे मैटर का निर्माण करते हैं, वहीं फोर्सर का निर्माण बोसोन पार्टिकल्स करते हैं। सबसे पहले फर्मियोन पार्टिकल्स को समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दुनिया के सारे मैटर के निर्माण के पीछे फर्मियोन्स का ही हाथ होता है। फर्मियोन्स में दो प्रकार के पार्टिकल्स आते हैं, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स। क्वार्क्स पार्टिकल्स क्वार्क फील्ड में एयर डिस्टर्बेंस ही होते हैं। ब्रह्मांड में 6 प्रकार के क्वार्क पाए जाते हैं, अप डाउन स्ट्रेंज चार्म टॉप एंड बॉटम। खैर इनके नाम से इनका कोई लेना देना नहीं है, क्वार्क चाहे जो भी हो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये बाइंडेड फॉर्म में पाए जाते हैं जिन्हें हेड्रॉन्स कहते हैं। क्वार्क्स के अरेंजमेंट और अमाउंट के हिसाब से इन्हें दो प्रकार बेरियोन्स और मेसोन्स के रूप में बांटा गया है। बेरियोन्स तीन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। इनका बेस्ट उदाहरण है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन दो अप और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, वहीं न्यूट्रॉन दो डाउन और एक अप क्वार्क से मिलकर बना होता है। मेसोन पार्टिकल से एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। ये तो हो गई बात क्वार्क्स की, अब फर्मियोन के दूसरे पार्टिकल्स यानी लेप्टॉन्स की बात कर लेते हैं। लेप्टॉन क्वार्क्स की तरह नहीं होते हैं, न सिर्फ ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाते हैं, साथ ही साथ इनका साइड क्वार्क्स के मुकाबले काफ़ी बड़ा होता है, और इसीलिए इन्हें बाइंडेड फॉर्म्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्वांटम फिजिक्स में 6 प्रकार के लेप्टॉन्स माने जाते हैं, इलेक्ट्रॉन म्यूऑन और ताऊ, साथ ही साथ इनके न्यूट्रिनो वर्जन यानी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और ताऊ न्यूट्रिनो। खैर इन न्यूट्रिनो के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि न्यूट्रिनो को घोस्ट पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, और इनका मास ऑलमोस्ट ना के बराबर और स्पीड ऑलमोस्ट लाइट के बराबर होती है। बात करें म्यूऑन और टाऊ की तो ये बस इलेक्ट्रॉन के बड़े भाई के समान है, इनका मास और एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन से हाई होता है। जनरली मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स अप क्वार्क डाउन क्वार्क और इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से ही बने होते हैं, बाकी के कॉम्बिनेशंस जैसे कि स्ट्रेंज क्वार्क चार्म क्वार्क और म्यूऑन, साथ ही साथ टॉप क्वार्क बॉटम क्वार्क और टाऊ से बने पार्टिकल्स हायर एनर्जी लेवल एक्सपेरिमेंट्स जैसे कि हाइड्रॉन कोलाइडर और न्यूक्लियर फ्यूजन में देखने को मिलते हैं, और इन्हीं के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के कारण हमें न्यू पार्टिकल्स मिलते रहते हैं। आज हो बाबा फर्मियोन्स के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, नेक्स्ट पार्टिकल यानी बोसोन पार्टिकल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया और इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।